का बाहुबली कहा जाने वाला चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर ऐसे तमाम प्रकार की खोज करने में सफल रहा है जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर इंसानों की बस्ती बसाए जाने को बल मिल रहा है। अभी अभी चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसे खोजबीन कर चुके हैं जिसकी वजह से दुनिया के सभी वैज्ञानिक और दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां सकते में आ गई हैं। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था तब हमारे लैंडर और रोवर को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य दिए गए थे जिससे आने वाले समय में जब भारत अपना गगनयान मिशन लॉन्च करे तो उसके लिए हमें अतिरिक्त सहायता मिल सके और साथ ही साथ जब भारत चंद्रमा पर भारत नाम का दूसरा देश बसाने की सोचे तब भी उसे अतिरिक्त सहायता मिल सके। हाल ही में चंद्रमा के सतह पर हमारे रोवर ने कुछ ऐसे खोजबीन कर डाले हैं जिसको आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। यह खोजबीन सुनने के बाद आप लोग भी गर्व से भारतीय कहने पर और गर्व करेंगे। तो आइए बताते हैं कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 के रोवर ने ऐसा क्या कर डाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसरो के इस महान कार्य के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रमा के सतह पर अभी तक हमारे रोवर ने ऑक्सीजन की खोज कर डाली है। चंद्रमा की सतह पर उसकी मिट्टी के अंदर मौजूद तमाम प्रकार के खनिज पदार्थों का विश्लेषण भी कर डाला है जो आने वाले समय में मानव सभ्यता को वहां बसाने में काफी सहायता करने वाले हैं। लेकिन हाल ही में चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के द्वारा चंद्रमा की सतह पर रिकॉर्ड किया गया भूकंप आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रमा पर भूकंप आने से ऐसी कौन सी जानकारी मिल जाएगी जिसकी वजह से आने वाले समय में हम मानव सभ्यता को बसाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से पृथ्वी पर भूकंप आता है उस तरीके से चंद्रमा पर भी भूकंप आया है। हमारे रोवर ने चंद्रमा की सतह को लगभग आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक भूकंप आते हुए या चंद्रमा की धरती को हिलते हुए रिकॉर्ड किया है। चंद्रमा पे आए इस भूकंप को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जो चंद्रमा पर आए भूकंप की खोज भी किया है और उसे रिकॉर्ड भी किया है। दुनिया में आज तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है। यह संभव हो पाया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और भारत की दृढ़ निश्चितता के कारण। बताया जा रहा है इस भूकंप से हमें यह पता चलता है कि चंद्रमा के सतह के नीचे मतलब कि चंद्रमा का कोर कैसा है, उसके सतही निर्माण कैसे हैं और साथ ही साथ यदि हम उस पर मानव बस्तियां बसाते हैं तो आने वाले समय में हमें कितने ज्यादा भूकंप के झटके झेलने पड़ सकते हैं। इन सभी चीजों के बाद चंद्रमा पर जब मानव बस्तियां भारत बसाएगा तो वो इन सभी चीजों के लिए पहले ही प्रिपेयर रहेगा। मान लीजिए अगर भारत को यह भूकंप की खबर न मिलती, हमारा रोवर यह भूकंप को डिटेक्ट न कर पाता तो ये बात क्लियर थी कि आने वाले समय में जब भारत वहां पर मानव बस्ती बसाता या मून मिशन में इंसानों को बैठाकर जब भेजता तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती थी। लेकिन अब हमारे रोवर ने ऐसा इतिहास रच दिया है जो विश्व के किसी भी देश ने अभी तक नहीं रचा है। अगर रोवर के इस कारनामे से आप खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखकर के इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें।